हाय अर्जुन, आलोक हियर। सबसे पहले आलोक, बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बस टिप टॉप। तो सवाल पहले तो मुबारका की, एक नए रोल के लिए आप तैयार हैं अभी? थैंक यू। दूसरा ये है कि इस रोल के लिए आप कितने तैयार हैं? यार ये रोल ऐसा है कि रोज सीखते सीखते सीखूंगा। एक्चुअली मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है सीखने के लिए चीज़ें। ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि मैं एक ओनर की तरह सोचता हूँ। मैं सीखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, अपने आप को आजमाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न ऑन द जॉब, आई वॉन्ट टू लर्न बाय बींग एज इन्वॉल्व विदाउट बींग इंटरफियरिंग। सो फॉर मी इट्स अ न्यू स्टेप ऑब्वियसली एंड आई एम एक्साइटेड, बट आई हैव सीन माई कॉलीग्स, आई मीन रणबीर इज एन ओनर, जॉन इज एन ओनर, आई हैव सीन द फ्लरिशिंग energy that comes with having people who are involved, it always makes a difference. Like I know how involved even an Abhishek is, for that matter. I would like to learn, I would like to observe, and hopefully by next year I'll be even more involved on a day-to-day basis. Is waqt kya abhi season shuru hone wala hai, to I just want to be there as a support system and seep myself into embedding myself. Yaar fans ke sath connect banana zaruri hota hai, main wo bhi chahta hu. मैं समय बिताना चाहता हूँ टीम के साथ, मैं जाना चाहता हूँ पूना, मैं सबसे मिलना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ, तो उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। तो ये सीजन आई एम गोइंग टू यूज एज अ फाउंडेशन फॉर माई सेल्फ एंड होपफुली आई विल बी मोर इन फ्लो फ्रॉम द कमिंग सीजन। एंड थोड़ी सी बात अगर आप अपने फिल्मों के लाइनअप के बारे में, जी जी जी, क्या एग्जैक्टली चल रहा है और क्या डेवलपमेंट है उस पर? सर चल तो इस वक्त प्रेपरेशन रहा है दिवाकर बैनर्जी के लिए, संदीप और पिंकी फरार जो मेरी और परिणीति की अगली फिल्म है, यशराज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसकी शूटिंग शुरू होने वाली है अगले 10 दिन में नॉर्थ इंडिया में, तो उसकी तैयारी चल रही है। पिछले, जैसे मैंने पहले भी कहा था, वो शूटिंग 2 महीने की, प्रेपरेशन मेरी 3 महीने की है, तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग सफ़र रहा है। ही इज़ अ फैंटास्टिक डायरेक्टर, बहुत मज़ा आ रहा है उनके साथ काम करके, और बहुत अद्भुत विचित्र कहानी है, इसीलिए हम ज़्यादा बता भी नहीं रहे, बिकॉज वो धीरे धीरे जब खुल के आएगी तब आप सबको बहुत मज़ा आएगा। बिकॉज ऑल आई कैन से इज़ एक बहुत इंटरेस्टिंग कश्मकश चल रही है हिंदुस्तान में आजकल, भारत और इंडिया, दो थॉट प्रोसेसेस जो उभर के आए हैं पिछले 7-8-10 साल में, भारत वर्सेस इंडिया। तो द फिल्म डील्स विद दैट साइकोलॉजी ऑफ कैसे लोग बदल रहे हैं सोसाइटी की वजह से, सोसाइटी कैसे असर कर रहे हैं, और आपके उतार चढ़ाव क्या होते हैं जब व्हेन यू आर सो इन्फ्यूज्ड इनटू द सिस्टम। उसके बाद फिर से परिणीति चोपड़ा और मैं आएंगे नमस्ते कनाडा करने, वो अगले साल शुरू होगी, उसके लिए थोड़ा टाइम है। तो इस वक्त दिवाकर सर की तैयारी चल रही है और नमस्ते कनाडा पे अगले साल शूटिंग और रिलीज की तैयारी होगी। बस इस वक्त तो वही चल रहा है और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ।